कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त इंडिया में प्यारे अफजल उतना ही सक्सेसफुल है जितना वो पाकिस्तान में था? पाकिस्तान का सुपर हिट ड्रामा सीरियल अब वो इंडिया में लोग देख रहे हैं, इट्स बीइंग वॉच्ड इन एवरी हाउस होल्ड, वहाँ से फीडबैक भी आ रहा होगा, तो कैसा महसूस हो रहा है कि आपका इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट था अब इंडिया में लोग देख रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है. सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इंडिया में हमारा काम एक तो एयर किया जा रहा है और लोग उसे देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, सो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग. प्यारे अफजल वाज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स दैट मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, काफ़ी सीरियल्स किए हैं, उसमें से वो मेरा फेवरेट था बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसका जो स्क्रिप्ट था वो मुझे बहुत पसंद था. इट्स वन ऑफ दोज स्क्रिप्ट्स जो बहुत कम आते हैं, कैरेक्टर्स और रोल्स जो जो उसमें सारे कैरेक्टर्स मेरे अलावा जो दूसरे भी कैरेक्टर्स थे, दे वर ऑल वेरी डिफ़िकल्ट टू प्ले बट वेरी फन कैरेक्टर्स टू वॉच. एंड जो राइटर थे उस सीरियल के, खलील रहमान कमर साहब, वो हमारे एक पुराने लेजेंडरी राइटर हैं पाकिस्तान के, और ये उनका एक मास्टरपीस स्क्रिप्ट था. तो आई एम रियली ग्लैड दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई एम रियली ग्लैड कि वो इंडिया में चल रहा है और लोग देख रहे हैं. This wedding is gonna be so much fun. MMA. Mashallah, mashallah. लग जाए जो हुस्न का दड़का. मैं वाकई ज़ोया से शादी करना चाहता हूँ यार. तो थाईलैंड वाली से वजीफा करवा दे क्या? ज़ाहिर है आप हमज़ा के साथ काम कर चुकी हैं और हमज़ा is always in the news. कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कुछ ना कुछ वो कह रहे होते हैं. तो हम ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपसे बात करें हमज़ा के बारे में बात ना. ये बड़ा ज़रूरी है. पहला मैं सवाल जो हमज़ा के से रिलेटेड आपसे पूछूंगा कि जो लोग उनको देखते हैं, जो लोग उनकी चीज़ें पढ़ते हैं, जो वो फेसबुक और ट्विटर वगैरह सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करते हैं, ही इज़ वेरी आउटस्पोकन, वो बड़े वोकल हैं, लोग उनकी हर चीज़ के बारे में, ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में उनका एक ओपिनियन होता है, चाहे वो पॉलिटिकली कोई चीज़ हो या कोई सोशली कोई चीज़ हो. आपने उनके साथ प्यारे अफजल में भी काम किया, आपने उनके साथ जवानी फिर नहीं आनी जो फिल्म आने वाली है उसके अंदर आपने उनके साथ काम किया, तो यू बिन अराउंड हिम पर्सनली, आप उनको जानती हैं, उनके साथ आपने वक्त गुजारा है. व्हाट इज़ ही रियली लाइक? लाइक आप क्या बता सकते हैं लोगों को कि एक्चुअल पर्सनैलिटी व्हाट इज़ द मैन रियली लाइक? हमजा इज़ अ रियली नाइस फ्रेंड ऑफ माइन. आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. ही इज़ अ वेरी सिंपल पर्सन. जो मैं एक्चुअली लोगों को बताना चाहूँगी, वो एक बहुत सिंपल इंसान है, एक्सेप्ट यू नो अपार्ट फ्रॉम वट एवर जो अभी उनका एक चल रहा है. हमज़ा एक बहुत सिंपल सादा इंसान है. ही इज़ वेरी सादा, यू नो ही हैज़ नो टेंट्रम्स, नो इशूज़. ऑन सेट भी होता है तो उसके कोई इस तरह के मसले नहीं होते कि इस टाइम पर लेट आ रहा है या ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे कोई इश्यूज नहीं होते. ही इज़ वेरी वो कहीं भी बैठ जाएगा, कहीं भी कुछ भी खा लेगा. ही इज़ वेरी सिंपल लाइक दैट, एंड आई रियली लाइक दैट अबाउट हिम. बहुत फ़नी है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है उसका. इमिटेशन जो वो करता है लोगों की, वो बड़ी उसकी अच्छी होती है. एंड वी हैव अ रियली गुड टाइम अराउंड हिम. ही इज़ गुड कंपनी. एंड आप हमज़ा की कोई इमिटेशन कर सकती हैं अगर हम आपसे कहें हमज़ा बनकर दिखाएं? देखें देखे यार मैं जो हूँ ना. I can't even go through with it. No. That's fine. That was good.